हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग के चेयरमैन सतपाल सिंह सत्ती ने ऊना में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से सभी विकास कार्यों पर गहन विचार विमर्श किया और उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने बताया कि आज PWD डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग की है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि ऊना विधानसभा के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सड़कों और पुलों के काम को लेकर और उसके साथ साथ अलग अलग डिपार्टमेंट के काम PWD विभाग कर रहे हैं, जैसे कि स्टेडियम का काम, उसके साथ साथ स्कूलों की इमारतें, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की इमारतें और उन बिल्डिंग की क्या प्रोग्रेस है और उनमें क्या अड़चन आ रही है, उसके ऊपर आज यह रिव्यू मीटिंग की गई। PWD डिपार्टमेंट का भी हम लोगों ने रिव्यू मीटिंग की है। इस मीटिंग का मुख्य मकसद था कि ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी सड़कों के काम हैं, पुलों के काम हैं और उसके साथ साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो काम PWD विभाग कर रहा है, जैसे स्टेडियम हैं और उसके साथ स्कूलों की बिल्डिंग्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, उन बिल्डिंग की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या चल रही है और उसमें कोई अड़चन है तो क्या दिक्कत है, तो उसकी हमने रिव्यू मीटिंग की है। ऊना विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर के आज मैं देख रहा था कि लगभग 26 बड़ी बिल्डिंगों के काम चले हुए हैं, जिनके ऊपर काफ़ी मात्रा में पैसा, हम ऐसा कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के 400 करोड़ रुपये के लगभग जिसके ऊपर खर्चा आएगा। और इसी तरह से 12-13 सड़कें हैं जो नबार्ड के माध्यम से पैसा आया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से पैसा आया है, जब मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना से पैसा आया है, जहाँ ऐसा SCCP से पैसा आता है, उसके माध्यम से जो सारा काम चल रहा है उसका हम लोगों ने रिव्यू किया है। तो इस रिव्यू में हम सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जल्दी से जल्दी इन बिल्डिंग का, इन रोड्स का, इन मान लो जो पुल बन रहे हैं उनका जल्दी से जल्दी काम किया जाए और जो पेंडिंग काम है हमारा, स्टेडियम है या बाकी चीज़ें, उनका काम भी टारगेट ओरिएंटेड, ऐसा हम लोगों ने आज डेट्स तय की हैं, महीने तय किए हैं कि कब तक ये पूरा होगा। तो हम लोगों ने 1-1.5 साल के अंदर ये सारे काम कंप्लीट करने हैं। उसमें बड़े काम हमारे हैं मिनी सेक्रेट ऊना में 29 करोड़ का, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल ऊना में 20 करोड़ रुपये का, इसके साथ साथ अन्य भवन हमारे चल रहे हैं, चाहे कॉलेज की बिल्डिंग है, ITIs की बिल्डिंग है, तो उन भवनों का निर्माण शीघ्र अति शीघ्र हो, उसमें कोई अड़चन है तो डिपार्टमेंट बताए और अगर पैसे की कमी है तो हमें बताया जाए ताकि मुख्यमंत्री जी से बात करके उनको कंप्लीट करें। तो यही रिव्यू मीटिंग में फाइनल हुआ कि इन सब चीज़ों को तेज़ गति से हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जल्दी पूरा करेंगे। ऊना से आपका फैसला TV के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ अनुबाला की रिपोर्ट।